में हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बागेश्वर कोतवाली में पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के साथ बाजार में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग के साथ त्योहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पटाखे विस्फोट सरयू पगड़ नया बागनाथ पुल में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था सहित नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उपजिलाधिकारी हरगिरी ने सभी व्यापारियों सीएलसी सदस्यों और आमजन से त्योहारों के मौके पर शांतिपूर्वक दीपावली मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक शुभराज सिंह नारायण ने सभी व्यापारियों से दीपावली में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सहयोग की अपील की। वहीं कोतवाल कैलाश नेगी ने सभी व्यापारियों से यातायात शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। साथ ही अराजकता फैलाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। बैठक हुई है, उसमें ये तय हुआ कि दीपावली के समय पर सबसे पहले तो हमें ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी है कि हमारे जितने भी बाईपास है जो गाड़ियां सीधे जिनको हल्द्वानी या गरुड़ जानी है वो बाईपास का यूज करेंगे, और जिनको मार्केट के अंदर आना है जैसे भड़ारी की तरफ से आने वाले कपकोट की तरफ से भड़ारी स्टैंड में और इधर गरुड़ की तरफ आने वाले हमारे कोतवाली के पास में जो गरुड़ का स्टैंड है वहाँ पर तथा जो हमारे कांडा की तरफ से आएंगे वो भागीरथी की तरफ बड़ी गाड़ियाँ तथा छोटी जो टू व्हीलर आएंगे वो हमारे करण शॉप तक आ सकती हैं, और इसी तरह से जो हमारे तहसील टाकुला की तरफ से आती हैं वो गाड़ियाँ जब तक हमारे ये बगीचा वाला पार्किंग है उसमें हम डालेंगे, जब वो फुल हो जाएंगे तो फिर हम उनको पीछे ही वहाँ पर मंगल प्लेस के पास में ही रोकना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी को सामान लाना है तो वहाँ पर हम रिक्शा या इस तरह से मजदूर की व्यवस्था कर देंगे कि अपना सामान जो है वह मार्केट से मंगा सकते हैं। फोर व्हीलर हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उस समय इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से हम अधिक से अधिक पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, जितना भी हमारे पुलिस लाइन में ऑफिसों के या हमारे कोर्ट में जो भी पुलिस छुट्टियां रहती हैं तो उनको हम दीपावली में अधिक से अधिक पुलिस फोर्स को लगाएंगे। और साथ ही साथ जो पटाखा बाजार के लिए एक निर्धारित समय हमारे आईडीएम साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी सभी व्यापारियों के, वो तय हो गया कि हम सरयू पगड़ में ही सभी जो है पटाखों की दुकान लगेंगी, और उसमें हमारे फायर ब्रिगेड द्वारा भी निर्धारित किया गया उन मानकों का पालन करेंगे। और अंदर भी जो है हमने व्यापारियों के साथ बैठक करके उनको भी बता दिया कि वो अतिक्रमण न करें, केवल जहाँ पर लाइन खींची है वहीं तक अपनी दुकानें बढ़ाएंगे, अगर कोई इस तरह में उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उद्दंड या उपद्रवी तत्वों पर विशेष निगाह रखी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांति और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद रहेगी।